यहाँ पे आपका गैलडुंग धाम है, और गैलडुंग धाम पे आप लोग यहाँ और पहाड़ के वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो आप नज़ारा बहुत ही है, हम लोग का दुआर। अनि यो जग्गाको नाम चाहिँ, मतलब जो आउनु चाहिँ लोकेसन चाहिँ, यो जग्गाको नाम हो तपाईँको तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमित थापा ब्लॉग। आप सभी लोग को एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित थापा ब्लॉग में। इसमें इस साल जा रहा हूँ रामाटंग पिकनिक स्पॉट में, तो बहुत ही अच्छा बढ़िया जगह है, और आपका वो हमारे दुअर अलीपुर द्वार और नॉर्थ बंगाल का अपबीट प्लेस भी है। तो आज हम वहीं पर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो आप लोग बने रहे मेरे आज के ब्लॉग्स वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने चश्मा ले लिया है सुपर स्टोर से, तो हम लोग जा रहे हैं पिकनिक स्पॉट। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने वाला ही है आपका रामाटंग पिकनिक स्पॉट में। 2024 का इस साल ये मेरा और एक एडवेंचर ब्लॉग्स वीडियो है। तो मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूँ कि यहाँ पे एक और आपका गैलडुंग धाम है, और गैलडुंग धाम पे आप लोग यहाँ और पहाड़ के वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो आपका जब फरवरी महीना में आपका फरवरी मार्च में आपका जब होली का सीज़न होता है, तो आप लोग दर्शन करने आ सकते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिला होगा। और हम लोग यहाँ से जाएंगे ऊपर की ओर वहाँ पे, और थोड़ा पहाड़ का नज़ारा देख रहे होंगे, और लोग आ रहे हैं पिकनिक खेलने के लिए, देख सकते हैं बहुत ही। और उधर भी लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, और पहाड़ उधर भी बहुत ही अच्छा सुंदर सा नज़ारा, बहुत ही है हम लोग का दुआर, बहुत ही एडवेंचर। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं ऊपर रामाटंग पिकनिक स्पॉट में। तो आप लोग बने रहे आज के मेरे ब्लॉग्स वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं बिना देरी किए हुए, बिना टाइम बर्बाद किए हुए, और आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। और देखिए आप लोग कितना देख सकते उधर के लोग आग ताप रहे हैं,
आग का आनंद ले रहे हैं और हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। वाह बहुत ही एडवेंचर, बहुत ही आपको यहाँ पे ये जगह बहुत ही अच्छा है। नॉर्थ बंगाल हमारे द्वार, हमारे अलीपुरद्वार का पास में ही है, नियर में है और बिट प्लेस भी है। तो देख सकते हैं बहुत ही एडवेंचर जगह है। वाह बहुत ही शानदार। ये मेरे हिसाब से ये भी अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट पिकनिक स्पॉट कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जितने भी है हमारे द्वार में, हमारे अलीपुरद्वार में सभी पिकनिक स्पॉट बेस्ट पिकनिक स्पॉट ही है, क्योंकि मेरे लिए सभी एक ही है। सभी का अपना अपना विशेषता होता है, फीचर्स होता है। तो आपने इससे पहले पूर्व में देखा था, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। तो अभी हम लोग आए हुए हैं टू अलीपुरद्वार नॉर्थ बंगाल द्वार के ऑफ बीट प्लेस पिकनिक स्पॉट, क्योंकि ऑफ बीट प्लेस मैंने इसलिए भी बोला है क्योंकि ये सुनसान मतलब बहुत ही अच्छा जगह है। अभी पिकनिक के समय होने के कारण थोड़ा सा चहल पहल है, उसके बाद भी यहाँ पे आप लोग अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड करने आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आए हुए हैं। कति हो अरे दाम मेरो एनबीएसटीसी हेभी बस जुन छ त्यसको चाहिँ तपाईँको 700 रुपियाँ छ। हजुर हजुर। अनि तपाईँको मिनी बस छ 500 रुपियाँ। तपाईँको बुलेरो पिकअप सफारी 250-250 छ। अनि तपाईँको अल्टो ओटो 150 रुपियाँ छ। अनि तपाईँको बाइक मोटरसाइकल 30 रुपिस छ। र त्यो चाहिँ हो तपाईँको इन्क्लुडिङ मान्छे गाडी पार्किङ टोटल मिलाएर चाहिँ गाडी सिस्टम गरेको छ, र यो पर हेड सिस्टम चाहिँ छैन। अनि यो जग्गाको नाम चाहिँ मतलब जो आउनु छ लोकेसन चाहिँ, यो जग्गाको नाम हो तपाईँको जुन स्पोटको नाम चाहिँ तपाईँको इको माउन्टेन भ्याली इको पिकनिक स्पोट रामटाङ दिपु रामटाङ फरेस्ट बस्ती बस्ती। हजुर धन्यवाद सर। हुन्छ थ्याङ्क यू। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे रामटाङ माउंटेन वैली पिकनिक स्पॉट, यहाँ पे आप लोग ने जो इंफॉर्मेशन तो देखे होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे टिकट काट लिया है, आपका किस प्रकार का पड़ता है और इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को मिले होंगे। तो मैं ये जगह एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। तो मैं अंदर आप लोगों ने तो इंफॉर्मेशन में मालूम चल ही गए होंगे ये जगह कौन सा लोकेशन जगह पे है। तो यहाँ पे अभी जो बाजा है डीजे है थोड़ा बंद किया गया है फोर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे हाथी भी आते हैं और बाघ भी है, तो वो लोग के लिए मतलब डिस्टर्ब ना हो इसलिए जो डीजे का है वो अभी बैन किया हुआ है फोर्स की तरफ से। तो मैं वो दिखाऊँगा अभी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गूगल पे फोन पे पेटीएम का भी व्यवस्था है, आप लोग आएंगे तो असुविधा नहीं होंगे। मुँह पे पानी आ जाता है देख के।
तो फ्रेंड्स हम लोग आए हैं पिकनिक स्पॉट से थोड़ा अंदर की ओर, यहाँ पे क्योंकि एडवेंचर प्रकृति का अभी जब नेचर है, हम लोग एंजॉयमेंट करने के लिए सभी लोग आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे नदी भी है सुना है, तो आज देखने के लिए भी जा रहे हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट है क्योंकि इतना पहाड़ ऊपर से नीचे की ओर जो भी होता है एडवेंचर ही होता है और बहुत ही दिल को छूने वाले रोचक होता है। यहाँ पे नीचे जाने के लिए मना है क्योंकि यहाँ पे अक्सर बाघ हाथी भालू बाइसन मिल सकता है, जिससे जितने भी पिकनिक घूमने के लिए आ रहे हैं वो लोग के लिए खतरा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मना ही है। तो हम लोग शायद नीचे जाने नहीं देंगे, तो हम लोग ऊपर ही अब जाएंगे, अब दूसरा और दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग घूम के आ गए, तो हम लोग जा रहे हैं क्योंकि नीचे में जाने के लिए मना ही है, तो हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं। नीचे पे आपका बाघ भालू बाइसन हाथी कुछ भी मिल सकता है, तो जिसके कारण जितने भी पिकनिक स्पॉट में यहाँ पे आया है पिकनिक मनाने के लिए सभी लोग के मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए नदी के नीचे नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग भी नहीं गया, तो अब हम लोग इधर ही घूमने आया था, अब हम यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। तो सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग का ये वर्स्ट का ये बेस्ट पिकनिक स्पॉट का है तो भी गलत ना हो, क्योंकि सभी पिकनिक स्पॉट का एक एक खूबिया है। तो पूर्व में बहुत ही अच्छा सा था, अब यहाँ पे दूसरा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और बहुत ही यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लॉज भी पाया जाता है। यहाँ अभी सब लोग ब्लॉग्स बनाते हुए भाई हुए। फ्रेंड्स यह था आपका रामटंग डिपो पिकनिक स्पॉट, रामटंग पिकनिक स्पॉट, तो और ऑफबीट प्लेस भी, मैं यहाँ पे आया घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा जगह है। तो आप लोग भी कृपया करके आइए इस जगह पे घूमने, बहुत ही अच्छा जगह है फैमिली के साथ दोस्तों के साथ। अभी जनवरी आपका 10-11 तारीख ही हुआ है, और भी है जनवरी और भी है, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग आएंगे इंजॉय करेंगे फैमिली के साथ दोस्तों के साथ। तो आप लोग देख रहे होंगे व्यू, यदि आज धूप खिला होता तो पहाड़ का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखाई देता था, लेकिन धूप कम होने के कारण इतना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, जब भी आप लोग आएंगे तो पहाड़ का बहुत ही नज़ारा इंजॉय कर लेंगे। तो आज का ब्लॉग्स यहाँ तक ही, तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग्स कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर देंगे और बटन में क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी मैं ऐसे ब्लॉग्स वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही मिले। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसा ही मज़ेदार जानदार एडवेंचर ब्लॉग्स वीडियो के साथ।